सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। एक बार फिर से स्वागत है आपका पीजीटी बायोलॉजी पीजीटी साइंस के लेक्चर नंबर 39 में। और आज हम यहाँ पे जो 2010 का पीजीटी बायो का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं उसका फाइनल पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले मैं बहुत प्रीवियसली क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लें और इन क्वेश्चन का पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि रोल ऑफ पेस मेकर इन हार्ट इज़, यानी हार्ट में पेस मेकर का रोल क्या होता है। तो इसका आंसर है इट टू इनिशिएट हार्ट बीट। जो हार्ट बीट होती है, हमारे जो हृदय स्पंदन हृदय गति है उसको इनिशिएट करना, उसको प्रारंभ करना, ठीक है। मेक श्योर कर लें कि जब आप एक वीडियो देख रहे हों आपके हाथ में एक पेन और आपके पास एक बुक एक नोटबुक होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को नोट करें और आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, सर मुझे नोट्स हमें नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। देखिए, आपके लिए आपसे अच्छे नोट्स इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता, आप अपने नोट्स सबसे अच्छे से बना सकते हैं। और नोट्स बना के कोई यहाँ पर दवाई नहीं मिलती। एक सिंपल सा फंडा ये है कि आपको जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ या कहीं से भी आप पढ़ते हैं उन्हें आप नोट करते जाएँ, उसी को हम नोट्स बोलते हैं और वो आपको लंबे टाइम तक याद भी रहेंगे और आपको फ़ायदा भी देंगे, ठीक है। तो ये मेरी आपको फ्री में एडवाइस है, अगर मानना हो तो मान सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो उसको कौन कंट्रोल करता है। सबको ही पता होगा पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ह्यूमन बॉडी में मिलने वाली सबसे छोटी ग्लैंड होती है जो ब्रेन में लोकेटेड होती है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेल वेगिंग डांस इज द लैंग्वेज ऑफ, यानी टेल वेगिंग डांस किसकी भाषा है। तो किसकी है, यानी कौन करता है ऐसा डांस, वो करता है किस, कौन, हनी बी, मधुमक्खी। क्यों करती हैं, देखिए जब मधुमक्खियों को भोजन कहीं पे मिल जाता है तो अपनी साथी मधुमक्खियों को हनी बीज को ये बताने के लिए कि भाई हमें भोजन मिल गया है, फूड का रास्ता बताने के लिए, तब वो इस तरह का डांस करती हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि क्यों करती हैं, तो खाना बताने के लिए नहीं, उनको कोई फूड का सोर्स मिल जाता है उसके लिए करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ़ ऑल द नर्व्स सप्लाइंग द हार्ट आर कट द हार्ट विल, यानी अगर हृदय को जाने वाली सभी तंत्रिकाएं काट दी जाएं तो क्या होगा। होगा ये कि बीट रिदमिकली यानी लयबद्ध रूप से धड़कता रहेगा, वो कंटिन्यू धड़कता रहेगा एक फिक्स टाइम के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन द पेनक्रियाज सीक्रेट, पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है, तो पेनक्रियाज सीक्रेट करता है क्या, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है, ठीक है। हमारे जो पेनक्रियाज है आप देख सकते हैं उसमें तीन तरह की सेल्स पाई जाती हैं, एक को हम कहते हैं अल्फा सेल, एक को हम बोलते हैं बीटा सेल, एक को हम बोलते हैं डेल्टा सेल। तो जो पेनक्रियाज है उसमें जो है ये वाला निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्कर ऑफ हनी बीज सोसाइटी आर, मधुमक्खी समाज में जो वर्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं और फीमेल होते हैं, यानी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते और फीमेल की कैटेगरी में वो आते हैं, ठीक है। मधुमक्खियों को कॉलोनी, मधुमक्खियों का जो ग्रुप होता है उसे तीन तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है वर्कर, एक होता है ड्रोन, एक होता है क्वीन। तो जो वर्कर होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, ठीक है, और ड्रोन और क्वीन भी इसमें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड फिशेज इज कल्टिवेटेड इन उत्तर प्रदेश ऑल थोट इट इज नेटिव ऑफ इंडिया, निम्नलिखित खाद्य मछलियों में से कौन है जो उत्तर प्रदेश में पाली जाती है यद्यपि वह भारत में नहीं पाई जाती, देशज नहीं है, कौन है। ऑप्शन नंबर ए हाइपोपैथैलेमिक मैट्रिक्स पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लैक इज प्रोड्यूस्ड, लैक किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो कौन सा, मोर बाय द फीमेल इंसेक्ट देन बाय द मेल, यानी लैक जो होता है वो फीमेल इंसेक्ट के द्वारा ज़्यादा जबकि मेल के द्वारा कम प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द बेस्ट एंड आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन की सर्वोत्तम व आदर्श विधि कौन सी है, आपको पता है कौन सी है। ऑप्शन नंबर डी मीडियन, मीडियन में दिया नहीं है कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर
करेक्ट नन ऑफ दीज। सबसे अच्छी विधि होती है मीडियन, तो मीडियन तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 100 एंड द रेट ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन इज 50 कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। देखिए यहाँ पे ये सेंट्रल टेंडेंसी का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, ये होगा मोड इज इक्वल टू क्या होगा, 3 मीन 3 एम डी माइनस 2 मीन, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं आप वैल्यू जब रखेंगे आप मीडियन, ये मोड का फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो वैल्यू जब रखेंगे, मीन आपको दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको करेक्ट आंसर निकलेगा, वो क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी 85 निकलेगा, क्या निकलेगा 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट इज सिग्निफिकेंट ऑफ, यानी कार्ल पियर्सन की कोएफिशिएंट किसके संबंध में महत्वपूर्ण है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर इज ग्रेटर देन 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के फादर किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी स्टीफन हेल्स को प्लांट फिजियोलॉजी का फादर कहा जाता है, स्टीफन हेल्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टीपीएन का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर सी ट्राईफॉस्फोपिरिडीन न्यूक्लियोटाइड, ट्राईफॉस्फोपिरिडीन न्यूक्लियोटाइड टीपीएन का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्योसिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, सबसे पहले म्योसिस किसने देखा था, किसने खोज की थी, आंसर है ऑप्शन नंबर सी फार्मर एंड मूरे ने सबसे, ऐसा लिखना चाहिए था इसको, फार्मर और मूरे ने सबसे पहले म्योसिस की खोज की थी 1905 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी, कोड का मुख्य कारण क्या है, जो लेप्रोसी होता है, आपको पता कोड क्या होता है कि आपके किसी के शरीर में अगर जो है स्पॉट पड़ने लग जाएं पैचेस, तो वो कुछ टाइम बाद लेप्रोस्कोपी का कैटेगरी में आ जाते हैं, तो किसके कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे एक फंगी होता है, ये उसके वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन बींग हंगरी मैन यूज फर्स्ट, भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले किसको खाना चाहिए उसको, तो ऑप्शन नंबर बी क्या, ग्लाइकोजन को, क्या ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जब हमें भूख लगती है, तो क्योंकि ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा स्टोर हुआ रहता है, जब जरूरत पड़ती है तब इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जंक्शन ऑफ एन एक्सोन एंड डेंड्राइट इज कॉल्ड, यानी एक्सोन और डेंड्राइट के बीच का जंक्शन क्या कहलाता है, उसे साइनेप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर जो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फील्ड कैपेसिटी इज द एक्सटेंट टू विच ए सॉइल कैन होल्ड, फील्ड कैपेसिटी वो क्षमता जो मृदा रख सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी कैपिलरी एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर, क्या बोलते हैं, कैपिलरी एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्री सेप्स एंड गैस्ट्रोसेनिमस, क्वाड्रीसेप्स एंड गैस्ट्रोनिमियस मसल्स लाई इन, कहाँ पाए जाते हैं, लेग्स में, टांगों में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, यानी जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तो आपने पता होगा आपको ये होता है ऑप्शन नंबर बी 120 mm ऑफ एच जी एंड 80 mm ऑफ एच जी, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए रांची में, यानी कि इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पंज इज डिटरमाइंड टू पर्ल इंडस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है, इनमें से कौन सा स्पंज पर्ल यानी मोती इंडस्ट्री में यूज़ हुआ होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ग्लास स्पंज, कौन सा, ग्लास स्पंज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बोथ पेरेंट्स आर ऑफ ब्लड टाइप ए बी दे कैन हैव चिल्ड्रन विद, जब दोनों जनक रुधिर वर्ग ए बी के होते हैं तो उनके बच्चों में हो सकता है, तो उनके बच्चे क्या हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, बी बी हो सकता है, ए बी, ये तीनों ब्लड ग्रुप होने की संभावना रहेगी उनके बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन्स, इनमें से होमोलोगस ऑर्गन कौन से हैं, होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका काम अलग अलग होता है लेकिन स्ट्रक्चर उनका सेम होता है, तो देखते हैं क्या है इसका आंसर, 23 का आंसर देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हैंड्स ऑफ मैन एंड विंग्स ऑफ बर्ड, यानी देखिए हैंड्स ऑफ मैन और विंग्स ऑफ बर्ड दोनों का काम तो अलग अलग है, विंग्स ऑफ बर्ड, बर्ड में विंग्स का काम होता है उड़ना, और हैंड्स मनुष्य में हैंड्स का काम होता है काम करना, काम दोनों का अलग है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, इसलिए उनको होमोलोगस हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि ब्रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ब्रेन किससे ओरिजिनेट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी एक्टोडर्म से। कहाँ से? एक्टोडर्म से ब्रेन ओरिजिनेट होता है। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन कि ए पर्सन पासेस मच यूरिन एंड ड्रिंक्स मच वाटर बट हीज ब्लड ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मल, दिस कंडीशन में बी द रिजल्ट ऑफ। तो एक व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में मूत्र करता है, टॉयलेट जाता है तथा अत्यधिक पानी पीता है, किंतु उसका रक्त ग्लूकोज सामान्य है, यह स्थिति किसका परिणाम हो सकती है? ऑप्शन नंबर बी रिडक्शन इन वैसोप्रेशन सिक्रेशन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी पिट्यूटरी के पोस्टीरियर एंड से वैसोप्रेशन एक हार्मोन जो रिलीज होता है, इसका मतलब उस हार्मोन की कमी हो गई है इसलिए ऐसा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।